नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप लोगों का एक नए वीडियो में। दुर्गा पूजा सीरीज में ये दूसरा पंडाल मैं आज दिखा रहा हूँ, और ये दूसरा पंडाल जो कि कालीवारी में है, और कालीवारी में देख सकते हैं किस तरह से पंडाल को तैयार किया गया। तो इस पंडाल की खासियत की बात करो तो यहाँ पे बस बांस का जो होता है ना, बांस का लकड़ी और बांस का जैसे कि ये सब जो होता है ना, पत्ते वगैरह वो सब यूज करके इस पंडाल को तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, कह सकते हैं पर्यावरण के सुरक्षा दृष्टिकोण से तो इस तरह का पंडाल बनना सही है, नहीं तो जैसे प्लास्टिक वगैरह यूज किया जाता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको खोलने के बाद। लेकिन यहाँ देख सकते हैं ये एक अच्छी पहल है कि इस तरह का पंडाल हर एक जगह तैयार किया जाए। ये पूरा पूरा लकड़ी और बांस का है, और यहाँ लाइटिंग का भी काम किया गया। रात में जब लाइट जलेगी तो इसका अलग रूप देखने के लिए मिलने वाला है। साथ ही यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इसको डेकोरेट किया गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सब किस तरह से हो, थोड़ा बारीकी से काम किया गया, और ये सब लकड़ियों का यूज किया गया। देख सकते हैं ये सब बांस का लकड़ी है, ये जितना भी देख रहे हैं सारा का सारा बांस का लकड़ी का यूज किया गया है बस। और पंडाल यह जो देख रहे हैं यह बनके तैयार है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया। जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्रा अब शुरू होने वाला है, तो पंडाल का स्वरूप अब कटिहार के हर एक क्लब में दिखने लगा है। तो यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये सब यूज किया गया, ये सब बारीकी से ये सब काम किया गया है। तो ये सब पंडाल में देख सकते हैं ये सब इस तरह से लकड़ी का यूज बारीकी से किया गया है। यहाँ देखते ऊपर में किस तरह से डेकोरेट किया गया, छोटी छोटी लकड़ियों को बना के इस तरह से तैयार किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से इसमें जो देख रहे हैं ये सब में भी बल्ब लगा हुआ है, तो इसके अंदर बल्ब लगा हुआ है तो अलग रूप दिखने वाला इस पंडाल का। अगर आप लोग इस पंडाल को घूमना चाहते हैं तो आ सकते हैं कालीवारी में। कालीवारी में यह दुर्गा पूजा पंडाल को तैयार किया गया, और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से किस तरह से लकड़ियों का यूज किया गया, ये देख सकते हैं इस तरह से। यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं हर एक जो ये सब लगा हुआ है, हर एक में बल्ब लगा हुआ है, तो रात में जब बल्ब जलेगा तो अलग एक रूप दिखने वाला। ये सब देख सकते हैं किस तरह से लकड़ियों का यूज किया गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग घूमना चाहते हैं, अगर ये पंडाल बेहतर पंडाल घूमना चाहते हैं, एक अलग रूप देखना चाहते हैं, तो ये सब देख सकते हैं। सिर्फ लकड़ियों का यूज किया गया, कई जगहों पे पंडाल का जो इस बनाया जाता है तो वहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक और फोम का यूज किया जाता है, लेकिन देख सकते हैं किस तरह से लकड़ियों का, ये बस बांस का लकड़ी इसमें यूज किया गया, जो कि बांस का लकड़ी ये खोलने के बाद उतना दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन वही अगर फोम प्लास्टिक रहता तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से फोम और प्लास्टिक सही नहीं होता है। तो ये सब देख सकते हैं किस तरह से पंडाल को तैयार कराया गया है। तो ये पंडाल बन के तैयार है कालीवारी रोड में। अगर कालीवारी रोड आते हैं तो इस पंडाल का दर्शन करने जरूर आए। इस पंडाल में कुछ खासियत आप लोग को दिखने वाला है, क्योंकि पूरा पूरा बांस का यूज किया गया है। कटिहार में बहुत सारे ऐसे पंडाल है जो कि अभी फिलहाल काम वहाँ पर चल रहा है, तो आगे अगले वीडियो में और भी पंडाल को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है नवरात्रा शुरू होने वाला है, तो पंडाल का स्वरूप अब धीरे धीरे हर एक क्लब के द्वारा दिखने लगा है। तो यहाँ देख सकते किस तरह से, अगर मैं काम की बात करूँ तो ये काम देख सकते किस तरह से बारीकी से काम किया गया है। तो इस पंडाल को देख सकते हैं आप लोग, खर्च की बात करो तो इसमें खर्च भी कम ही हुआ होगा, लेकिन काम थोड़ा बारीकी से है तो खर्च लगभग 5 से 6 लाख इस पंडाल का हुआ होगा, उससे भी कम हो सकता है। लेकिन अब इस तरह से आप लोगों को पंडाल का स्वरूप दिख रहा है। बात है मिस्त्री जो काम किए होंगे वो बारीकी से किए होंगे तो उनका चार्ज थोड़ा लगा होगा, लेकिन जो इसमें यूज किया गया है ना बांस का, वो उतना खर्च उसमें नहीं हुआ होगा। तो कह सकते हैं कम खर्च में बेहतर पंडाल बनाना, ये एक पंडाल से कोई बेहतर नहीं हो सकता है ये इस पंडाल से। ये अभी कालीवारी का पंडाल है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बांस का हर एक चीज़ों में यूज किया गया है, यहाँ पे ना ही प्लास्टिक ना ही किसी और चीज़ का यूज किया गया, बस ओनली फॉर बांस का यूज किया गया है। तो सदर अस्पताल से सीधे आइएगा, सीधे आगे कालीवारी की ओर आइएगा, एक सीधे रास्ता है और सीधे रास्ता, तो आइए इस दुर्गा पूजा। अगर आप लोग कटिहार में दुर्गा पूजा घूमना चाहते हैं, कटिहार के आसपास जिले के हैं, तो आइए। कटिहार में बहुत अच्छे अच्छे हर एक क्लब के द्वारा पंडाल को तैयार कराया जाता है। तो इस दुर्गा पूजा अगर बेहतर पंडाल घूमना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि पंडाल तो हर एक जगह बनाया जाता है, लेकिन जैसे कि कटिहार के आसपास जो भी जिला है वहाँ तो उतना अच्छे पंडाल को नहीं तैयार किया जाता, लेकिन कटिहार में बहुत सारे ऐसे क्लब है जो बेहतर बेहतर पंडाल को तैयार करती है। क्योंकि जिस तरह से कलकत्ता में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, कोलकाता में जिस तरह से दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी तरह से कटिहार में भी भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। बिहार के बहुत ही कम जिले हैं जो कि इस तरह से दुर्गा पूजा भव्य तरीके से मनाता है, क्योंकि हर एक जगह पर इस तरह से पंडाल को तैयार नहीं किया जाता है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कोलकाता में तो बहुत जगहों पर दुर्गा पूजा अलग अलग रूप के तौर पर अलग अलग पंडाल को तैयार करके कराया जाता है, उसी तरह से कटिहार में उसी तर्ज पर
हर एक जगह जो कि आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कि अलग अलग रूप में और अलग अलग थीम के साथ पंडाल को तैयार कराया जाता है। तो इस दुर्गा पूजा कुछ बेहतर देखना चाहते हैं तो आइए कटिहार, और कटिहार के आसपास जिले के हैं तो अगर बिहार से भी है बेहतर पंडाल घूमना चाहते हैं तो आ जाइए कटिहार। यहाँ पर एक से एक पंडाल आप लोग को कोलकाता वाला फील जरूर आने वाला है कटिहार में, तो कटिहार आइए कोलकाता वाला अगर फील लेना चाहते हैं। इस दुर्गा पूजा 2024 में नवरात्रा शुरू होने वाला है तो आइए कटिहार आसपास के ज़िले के, और अलग अलग रूप में जो पंडाल तैयार कराया गया उस पंडाल का आप लोग आनंद ले सकते हैं। साथ ही माँ की प्रतिमा तो हो गई, माँ का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर माँ की प्रतिमा होगी तो एक अलग रूप और भी इस पंडाल का नज़ारा दिखने वाला है।